हाय एवरीवन, लक्ष्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना खिचड़ी। आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला साबूदाना बना है, लग रहा है ना बढ़िया। टिप्स बताएंगे जिससे आपके साबूदाना भी एकदम खिले खिले बनेंगे। आप इसे एक कटोरी खा लेंगे तो दिन भर के लिए आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है ये। तो हम बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम एक कप साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना मोटी वाली है और इसे हम दो पानी से अच्छे से धो लेंगे। साबूदाने को हम दो पानी से अच्छे से धो चुके हैं, अब इसे छान लेंगे। साबूदाने को वापस से हम इसी बाउल में डाल देंगे। फ्रेंड्स, साबूदाने को छानकर हम उसी बाउल में डाल चुके हैं और इसमें हम पानी डालेंगे। जिस कप से हम एक कप साबूदाना लिए हैं उसी कप से एक चौथाई कप हम पानी लिए हैं। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना कि इसमें अच्छे से भीग जाए। इसी कप या कटोरी से कर ले। ऐसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो चुका है, अब साबूदाना को हम चेक कर लेते हैं। मैश हो रहा है, अच्छे से फूल चुका है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, हमें छानने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट अगर आप सही रखेंगे तो आपकी भी साबूदाना चिपकी चिपकी नहीं बनेगी। एक कप साबूदाने में एक चौथाई कप पानी डाल। गैस पे हम एक पैन चढ़ा दिए हैं और उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। आप व्रत में जो भी घी ऑयल खाते हैं उसको डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जीरा चटकने लगा है, इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मूंगफली और इसे हम थोड़ा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। मूंगफली को हम भून चुके हैं और आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पे हम 1 बारीक कटा हुआ खीरा डालेंगे और इसे भून लेंगे। खीरा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 आलू उबला हुआ, इसको हम काट चुके हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो इसे डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को मिक्स कर चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे साबूदाना, सेंधा नमक, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डालें और कुछ धनिया के पत्ती। सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सभी को हमने मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लग रहा है ना बढ़िया, इतनी खिली खिली साबूदाना कि आप व्रत के अलावा भी नाश्ते में बनाना पसंद करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर खाने को थोड़ा सजा के सर्व करेंगे तो खाने का मजा ही कुछ और है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो लीजिए, हमारे साबूदाना का खिचड़ी बनकर तैयार है, हेल्दी भी टेस्टी भी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।